इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। शहर हैदराबाद में पुलिस की फायरिंग से एक बार फिर हलचल पैदा हो गई। जुमेरात की आधी रात के बाद पुलिस ने नामपल्ली रेलवे स्टेशन के करीब 4 लोगों को मुश्तबा तौर पर घूमते हुए देखा। उन्हें रोक कर पूछताछ की गई, लेकिन जब उन्हें कोई जवाब नहीं दिया तो उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की। एक शख्स ने कुल्हाड़ी से पुलिस पर हमला करने की भी कोशिश की। एक और शख्स ने पत्थरों से पुलिस पर हमला किया। इस दौरान पुलिस ने फायरिंग की और हमला आवरों को पकड़ लिया। फायरिंग से राजू नामी शख्स और दूसरा जख्मी हो गया। दोनों दीगर हमला आवर फरार हो गए। पुलिस ने उनकी तलाशी जारी रखी है। जख्मियों को उस्मानी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और वाकये की तहकीकात कर रही है। वाज़ह रहे कि हाल ही में हैदराबाद के मुजाफात में अब्दुल्लापुर मेट में पादरी गैंग के चोरों को गिरफ्तार करने के दौरान पुलिस ने फायरिंग की थी, और गुज़िश्ता माह जब सिकंदराबाद के सिटी लाइट होटल में पुलिस की एंटी स्नैचिंग टीम ने फरार होने वाले चोरों की बाइक के टायर को गोली मारने की कोशिश की तो गोली बाइक के पीछे बैठे शख्स की टांग में लगी।